हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने ये मैकबुक एयर M1 परचेज किया है, तो आज इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और एक फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा आपको। बीइंग अ विंडोज यूजर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, देखते हैं कि मैकबुक का मेरा एक्सपीरियंस और फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है। चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और काफ़ी दिनों से रुका हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जरूरत नहीं है, मुझे बस ये स्ट्रैप खींचना है और ये बॉक्स खुल जाएगा। और ये रहा हमारा मैकबुक एयर। और ये चीज सही है, ये दोनों साइड्स को खींचो, बॉक्स अपने आप बाहर आ जाएगा। अब गाइस, देखा जाए तो मैकबुक लेना हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने तो आज तक इतना बड़ा कोई भी गैजेट में इन्वेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली मैकबुक को ही चूज़ किया, इसके पहले मैंने विंडोज़ के बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। इनफैक्ट मैंने उन सारे दोस्तों से भी बात की जिन्होंने रिसेंटली विंडोज़ के लैपटॉप परचेज किए थे। हेलो, अरे वो तूने वो रिसेंटली लिनोवो का लैपटॉप लिया ना, कैसा है वो? लेना चाहिए क्या? अच्छा है क्या? अरे यार, वो तो बहुत हैंग हो रहा है, तो लेना है तो वाला मत ले। हाँ क्या? अरे तूने वो डेल का लैपटॉप है क्या अभी तेरे पास? कैसे चल रहा है वो? पहले तो रिटर्न कर दी उसको कब का। क्यों क्यों? वो बहुत हैवी वेट हो रहा था मेरे लिए इसलिए। अच्छा, बहुत भारी है क्या वो? हाँ भारी है। अच्छा चल ठीक है। फिर रिसर्च करने के दौरान मुझे पता चला कि M1 अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप है, जितने भी रिव्यूज मैंने इंटरनेट पे देखे। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हैं और एप्पल का प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अगर कितना भी हाई एंड विंडोज का लैपटॉप लूँ कि कुछ टाइम के बाद, साल दो साल के बाद, उसमें इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैकबुक में इश्यूज नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, पर जैसे मैंने अब तक, मेरे पास एप्पल का आईफोन है, आईफोन जब से यूज़ कर रहा हूँ मैंने ये चीज़ देखी है कि एप्पल भले ही लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड या विंडोज़, पर जो क्वालिटी होती है चीज़ों की वो टॉप नॉच होती है। मतलब उसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। इसके बाद ये भी रीज़न है कि विंडोज़ को ही अगर मैं लूँगा तो मुझे कुछ एक्सप्लोर करने नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तक इतने सारा विंडोज़ पे काम कर चुका हूँ, मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ पता ही है। मैकबुक के केस में सब कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे कीज़ डिफरेंट है, शॉर्टकट्स डिफरेंट है, लुक एंड फील डिफरेंट है, चीज़ों को स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है, चीज़ों को कनेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि नई नई चीज़ों को मैं सीखने वाला हूँ। ब्यूटी गाइस, वैसे तो मुझे बहुत सही लग रहा है यार। मतलब छोटा सा है और बहुत इजीली हाथों में बैठ जाता है, मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। बॉक्स में गाइस हमें मिलता है ये चार्जिंग केबल जो दोनों साइड से टाइप सी है, और ये क्विक स्टार्ट गाइड, और यहाँ पे हमारा एप्पल का स्टिकर। ओ चला गया। और ये है 30 वॉट का फास्ट चार्जर, अच्छे से पैक किया हुआ, और तो कुछ नहीं है, इतना ही भाई।
कंपेयर करूं मेरे विंडोज के लैपटॉप से तो मेरा विंडोज का लैपटॉप लगभग इतना लंबाई में इतना ज्यादा है और चौड़ाई में इतना। गाइज अभी आप जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि मुझे ये लैपटॉप कितने में पड़ा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी ये लैपटॉप लेना है तो इसके वैसे 5 तरीके हैं। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाके डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, लगभग 6,000 का डिस्काउंट मिल सकता है MRP के ऊपर। तीसरा तरीका है Apple.in से, यानी Apple का जो ऑनलाइन स्टोर है उससे परचेस करें, उसमें स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट डिस्काउंट में लगभग यही लैपटॉप आपको 8,000 से 10,000 डिस्काउंट में मिल सकता है। अगर ये लैपटॉप 90,000 का है तो स्टूडेंट डिस्काउंट में आपको 83 तक मिल सकता है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो बिजनेस वालों के लिए काफी अच्छा है। अगर आपका कोई बिजनेस है और आपके पास GST नंबर है तो आप GST नंबर अप्लाई करके भी अच्छा खासा डिस्काउंट इस लैपटॉप के ऊपर पा सकते हैं। इसमें एक लिमिटेशन ये है कि आपको अपफ्रंट डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर आप GST नंबर के थ्रू लेते हैं तो आप जब भी ईयर एंड पे अपना रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पे आपको इसका डिस्काउंट मिलेगा। और जो फाइनल है और जो सबसे चीपेस्ट है वो ये है कि अगर आपका कोई दोस्त या अगर आप खुद दुबई या US जा सकते हैं और वहां से इसको परचेस कर सकते हैं तो लगभग 15,000 से 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि GST जो 18% GST लगता है इस प्रोडक्ट के ऊपर वो सिंपली वैनिश हो जाएगा और आपको ये बेस प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दुबई से लेना या तो USA से लेना। अब आते हैं कि मैंने ये लैपटॉप कैसे लिया। तो गाइस, जब मैंने ये लैपटॉप लेने का इरादा किया, जब मैंने इसको ऑर्डर किया, तब मेरे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे। सबसे पहले ना मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स थे दुबई में या USA में, फ्लाइट बंद होने के कारण कोई भी इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा था तो मैं उनके थ्रू नहीं मंगा सकता था। सेकेंडली, मेरे पास कोई GST नंबर नहीं है और जैसे मैंने बताया कि GST नंबर पे कोई अपफ्रंट डिस्काउंट नहीं मिलता, तो जिससे भी मैं लेता था मुझे ऑलमोस्ट 1 साल रुकना पड़ता था उससे डिस्काउंट वापस लेने के लिए। थर्ड है HDFC कार्ड को यूज करके। अब मेरे पास ऑलरेडी HDFC का ना कोई क्रेडिट कार्ड है ना डेबिट कार्ड है। मैंने सोचा था कि मैं अप्लाई करूँ HDFC क्रेडिट कार्ड, पर अब रिसेंटली RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं HDFC के ऊपर और HDFC अब एट दिस मोमेंट कोई भी क्रेडिट कार्ड अवेल नहीं कर रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन था यूजिंग स्टूडेंट डिस्काउंट, पर ड्यू टू दिस कोविड एप्पल कई सारी महाराष्ट्र में कई सारी जगहों पे जो है डिलीवरी नहीं दे रहा था, डिलीवरी उसकी कैंसिल हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे कोई भी डिलीवरी डेट मिल नहीं रही थी, सारा प्रोडक्ट्स अनअवेलेबल बता रहे थे। तो फाइनली मैंने जो सबसे महंगा ऑप्शन है जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन से, तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और मुझे ये पड़ा है 90,000 में। मैं जानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी डील ले ली मैंने, मतलब मैं अगर मैं और शायद रुकता तो मैं और अच्छी डील ले सकता था या तो मैं दुबई से ही मंगा लेता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एम है इस लैपटॉप को लेने का कि मैं इससे अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकूं, अगर मैं उसको अचीव कर लेता हूं तो ये थोड़ी बहुत जो अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा भरी है इसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, चलो अगर दिल बहुत कर रहा था लेने के लिए तो मैंने ले लिया। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।